देखिए ये लोग अपनी व्यवस्था को बना रहे हैं प्लांट को सर्विस करने के लिए। ये 1000 लीटर की कैपेसिटी का प्लांट है, सर्विस करने के लिए व्यवस्था लोग बना रहे हैं। क्योंकि ये प्लांट इन लोगों के लिए नया है इसलिए टेम्प्रोरी व्यवस्था यहाँ पे, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, लेकिन ये व्यवस्था पूरा करके सर्विस पूरा दिखाया जाएगा। आरओ का पानी ही ये लोग ले रहे हैं सर्विस करने के लिए। देखिए ये टैंक है, टैंक से आरओ का पानी ही ले रहे हैं सर्विस करने के लिए। आरओ का पानी शुद्ध होता है इसलिए मेम्ब्रेन को वॉश करने के लिए आरओ की पानी की ज़रूरत पड़ती है। ये लूज पाइप है, वो प्लास्टिक का पाइप है, लूज पाइप है, रिजेक्ट पानी है, रिजेक्ट पानी। अभी ये पानी पकड़वा रहे हैं प्रेशर पंप को, ये वाला बड़ा वाला प्रेशर पंप है। देखिए कितना गंदगी है मेम्ब्रेन में। देखिए पानी के कलर को देखिए, किस कलर का पानी निकल रहा है। ये देखिए मेम्ब्रेन कितना चौक हुआ है, पानी का कलर आप देख सकते हैं किस कलर का पानी गिर रहा है, देख लीजिए। अभी इसको सर्विस किया जाएगा, ये पानी का कलर देख लीजिए किस कलर का हो रहा है। देखिए ये साइट्रिक एसिड डाला जा रहा है पानी में, उसकी घोल बनाने के लिए घोल बनाया जा रहा है साइट्रिक एसिड। 1000 लीटर का प्लांट है, इसमें 4 पाकिट ये लोग ले के आए हुए हैं डालने के लिए। देखिए एक पाकिट डाल दिया गया है, दूसरा पाकिट और प्रभु भाई दोनों पाकिट उठाइएगा। देखिए 2 पाकिट ये है, यानी 4 पाकिट डाला जा रहा है। ये आधा केजी का है कि 1 केजी का है? आधा केजी का है। और देखिए भाइयों रात हो गया है, इधर देखिए रात हो गया, अंधेरा हो गया है, मोटरसाइकिल जा रही है लाइट जला करके, रात हो गया है लेकिन फिर भी सर्विस ये लोग दे रहे हैं। और ये 2 बोतल एसिड लेके आया गया है, बहुत हैवी क्वालिटी का, बहुत बढ़िया क्वालिटी का ये एसिड है, बहुत अच्छा क्वालिटी का है। इसको हाथ में लगने से हाथ जलने का संभावना रहता है, इतना हैवी क्वालिटी है ये। 2 लीटर ये है, अच्छे से मिक्स करने का काम किया जा रहा है। देखिए वो घोल बना रहे हैं साइट्रिक एसिड का, आरओ की पानी में साइट्रिक एसिड का घोल बनाया जा रहा है। देखिए सर्विसिंग स्टार्ट हो गया है। अब पानी का कलर देख लीजिए मेम्ब्रेन में कितनी ज़्यादा गंदगी है, इसको नज़दीक से दिखा दिया जा रहा है। देखिए कितना ज़्यादा गंदगी है, पूरा मट्टी मट्टी हो गया। देखिए प्रेशर पंप के इन साइड से पाइप से केमिकल लिया जा रहा है, एसिड भी डालना है तो डालिए आप लोग। प्रेशर पंप के इन साइड से लिया जा रहा है और आउटसाइड से मेम्ब्रेन में हो करके ये पानी रिजेक्ट वाला लाइन से हो करके फिर से दोबारा से आकर के ये स्लूज पाइप से इस बाल्टी में रिसाइकल हो रहा है। सर्विस करने का यही एक तरीका है
आप लोग चाहें तो स्वयं से अपने प्लांट का देख रेख कर सकते हैं, या कोई दिक्कत होता है तो आप हमें भी इन्फॉर्म कर सकते हैं। हमारी टीम है जो आप लोगों के सेवा के लिए तत्पर हमेशा खड़ी रह रही है। जबकि आज का मौसम ऐसा है कि घर से बाहर निकलने लायक नहीं है। आज 15 जनवरी है, 15 जनवरी का बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रहा है इस समय, लेकिन फिर भी हम लोग आए हुए हैं यहाँ पे काम करने के लिए, इनकी सेवा देने के लिए। इनका आरओ प्लांट 300 के लगभग में पीने वाला पानी बना रहा था, जबकि 1000 लीटर की ये प्लांट है। और ऐसा नहीं है कि बस बोला जा रहा है, देखिए यहाँ पे मालिक हैं, इनके सामने कहा जा रहा है, अभी दिखाया जाएगा थोड़े समय में। TDS इनका एक्चुअली इनका मेम्ब्रेन चेंज करना होगा, लेकिन चूंकि बजट न होने की वजह से इनका मेम्ब्रेन अभी चेंज नहीं हो रहा है, सर्विस करके काम चला जा रहा है। अभी थोड़ा सा गर्मी का समय, होली के लगभग में इनका मेम्ब्रेन चेंज होगा। ये देखिए लगभग में ये 30 मिनट तक सर्विस का काम ये लोग करेंगे यहाँ पे, लगभग में 30 से 40 मिनट तक। अब ये देखिए 10 मिनट सर्विस होने के बाद से ये एक केमिकल डाल रहे हैं। ये बहुत हार्ड केमिकल है। प्लास से पकड़ करके निकालो, देखिए ये धुआं टाइप का दे रहा है खोलने पे, कितना हार्ड है। देखिए बाल्टी में धुआं बन गया, कितना हार्ड है ये। अरे साला अभी गईला। देखिए दोस्तों पैसा किस लिए मिस्त्री लेते हैं लोग, देख लीजिए ये भीग गए। इतना ठंडा का मौसम है, 22 किलोमीटर 23 किलोमीटर से ऊपर दूर जाना है घर इनको, लेकिन ठंडक में जूता वूता पैंट वेंट सारा भीग गया। इसीलिए टेक्नीशियनों की मजदूरी में आए दाएं बाएं नहीं करना चाहिए। इस ठंडक में अब बताइए कांपते हुए लोग घर जाएंगे। और देखिए कितना बाल्टी में गंदगी आया हुआ है, देखिए पूरा वो झाग है, वो झाग गंदगी ही है। देखिए ये दूसरा वाला डाल रहे हैं, देखिए दोस्तों उधर छोटा पंप भी चला रहे हैं लोग, कुछ चेक कर रहे हैं वेसल में, वेसल जाम है नहीं है। इधर सर्विस हो रहा है, उधर छोटा पंप चला रहे हैं, बैकवास का सिस्टम में कुछ कर रहे हैं। पीछे पानी गिर रहा है, देखिए ये पानी का कलर कैसा हो गया है। सर्विस करके अभी इसको ये लोग दूर कर दिए हैं, ये पाइप को ज्वाइंट कर दिए। अब फ्लोमीटर को ये साफ कर रहे हैं, एक फ्लोमीटर इसमें बच जाता है, उसको ये किसी तरह से साफ कर रहे हैं पेचकस के माध्यम से, कपड़ा लगा करके। देखिए जंबो फिल्टर खोल रहे हैं बिग ब्लू, उसमें फिल्टर चेंज करने हैं, ये वाले फिल्टर जो इसको जंबो फिल्टर बोलते हैं, पीपी स्पंज बोलते हैं, 4 इंची बाई 20 इंची रहता है, 4 इंची के ये व्यास में रहता है जंबो फिल्टर। देखिए खोल रहे हैं जंबो फिल्टर, टाइट करके ये
लगा करके और मशीन को चला करके दिखाया जाएगा। तन जल्दी जल्दी देखिए, प्री फिल्टर जंबो फिल्टर की दशा देखिए। इसको नल से धो के लेके आ जाइए भैया, ये पानी को गिरा दीजिए, नलवा में पानी डाल के और हाथ से इसको हिला करके धो दीजिए। नहीं नहीं, उसको फेंकना है, उसको नहीं लगाना है। आपको हर महीने चेंज करना चाहिए फिल्टर, आप हर महीने उसको चेंज कर देना चाहिए, बिना पूछे हुए, बिना किसी सराय लिए हुए हर महीना चेंज करिए, अगर प्लांट को साफ सुथरा रखना है तो। सही बात है। देखिए, इसके ऊपर प्लास्टिक का कवर है, इस प्लास्टिक के कवर को उतार रहे हैं, उतारने के बाद ही फिल्टर को लगाएं। स्टिकर है, स्टिकर को भी निकाल दीजिए। देखिए, उसके ऊपर स्टिकर चिपका हुआ है, स्टिकर को भी निकाल दें। निकाल करके, अरे गणिया नहीं देखल जाए प्रभु भाई, यो ध्यान रखिए। तब का देखिए, अब ये फिल्टर को टाइट करने के प्रयास कर रहे हैं। इस बाउल को बकायदा धोया गया है, धो करके फिर फिल्टर को लगाया जा रहा है। ये दूसरा वाला फिल्टर देखिए, अब लगा रहे हैं। ये ऊपर की प्लास्टिक उतार दिए। ये हमारे प्रभु भाई हैं, इतना फोन आ रहा है इनका कि अगले बार हो सकता है कि इनको प्रधान बनाया जाए, प्रधानी लड़े हैं। देखिए, फिल्टर लगाने में सोच रहे हैं कि फोन उठाएं कि फिल्टर लगाएं। ये चाबी से बकायदा इसको फुल टाइट कर लिया करें, जब भी फिल्टर लगाएं, जिससे लीकेज ना बने। देखिए, प्लांट को अब ये लोग चलाने का काम कर रहे हैं। ये एसिड वाला पानी है जो इस तरह से गिर रहा है, जिससे वास किया गया था, इतनी गंदगी लेकर के बाहर निकल रहा है। अभी प्लांट को ये लोग सही करने का काम कर रहे हैं, फ्लो चेक करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको सर्विस करने के बाद से ये पानी टैंक में नहीं गिराना चाहिए, टैंक से बाहर ही फिल्टर लगा, केमिकल लगा, तो उससे पहले आपको 5-10 मिनट आराम से पानी को बाहर गिराना चाहिए। बाहर गिराने के बाद ही कहीं पानी को अंदर टैंक में डालें, कि आपका कोई भी केमिकल और फिल्टर का केमिकल लगे हुए न आए। देखिए, ये बाहर पानी टैंक में जाने वाला पानी है, लेकिन बाहर गिराने का काम हो रहा है। अभी 5 मिनट चलाने के बाद से, पीने वाला पानी चलाने के बाद से 5 मिनट बाद बंद कर दिया जाएगा। देखिए, देखिए पानी का कलर धीरे धीरे अब चेंज हो रहा है, ये पीला से वाइट धीरे धीरे होना चालू हो जाएगा। अबे फोन कर, तनी से मौका पाने पर फोन करो। देखिए, अभी पानी फ्रेश आना स्टार्ट हो गया है, और यहाँ पे भी रिएक्ट पानी पहले कैसा गिर रहा था, अब देखिए ये भी लगभग में फ्रेश हो गया है।
और ये भी पानी फ्रेश हो गया है। अब इसको टैंक में डाला जा सकता है, पीने के योग्य पानी है, लेकिन फिर भी दो चार मिनट अधिक चला लिया जाता है बेहतर होता है। ये लगभग मैं इस तरह से 10 मिनट के लगभग में चलाया जाएगा। बाहर पानी अभी मेम्ब्रेन का पूरी मशीनरी का सर्विस हो रहा है, फ्रेश पानी से वाश हो रहा है इसको, नहीं तो आपको केमिकल मिल जाएगा इसमें जिसका टेस्ट और जनजीवन के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो सकता है। इसलिए ऐसे ही 10-15 मिनट तक फ्रेश पानी बाहर गिराया जाएगा। मिस्त्री लोग बाहर निकल गए हैं, देखिए लगभग में सर्विस कंप्लीट हो गया है। ये पाइप टैंक में बस डाल देने हैं 10-15 मिनट चला करके। वीडियो का अगर पूरा अच्छे तरीके से अगर प्रॉपरली बनाया जाएगा तो सर्विस का घंटों का वीडियो बनाना पड़ जाएगा, इसलिए बहुत कम करके काट पीट करके बनाया गया है, इसलिए ये इतना ही दिखाया। देखिए मिस्त्री उससे उस पानी से कुल्ला कर रहे हैं, मुँह धो रहे हैं, यानी वो पानी काम लायक हो गया है, पीने योग्य हो गया है, लेकिन फिर भी 5-10 मिनट अधिक जानबूझ करके चलाया जाता है। और देखिए इधर ये भाई लोग पानी लेने के लिए आकर के वेट भी कर रहे हैं, क्योंकि ठंडा का मौसम है, रात का मौसम, इसलिए चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा है। ये 700-800 घर की ग्राम सभा है, बहुत सारा यहाँ पे पानी का स्कोप है। हम लोग जब से हैं तब से 15-20 बोतल पानी निकल गया है। शाम का समय है, देखिए मिस्त्री अपना बोरिया बिस्तर बांध रहे हैं, अब जाने के लिए तैयार हैं। और ये हमारे प्रभु भाई हैं, देखिए किस तरह से हंस रहे हैं, ये भी हाथ उत पोछ रहे हैं। जो भी इस वीडियो को देखे, आरओ से संबंधित अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो वो वीडियो के कमेंट में ज़रूर लाइक शेयर और कमेंट करें कि आरओ में किस तरह का वीडियो बनाया जाए जिससे उनको लाभ हो सके, क्योंकि भाई जब आप बताएंगे तो ही हम समझेंगे। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें अगर देखें तो।